नेक्स्ट हम अपने पास रिएक्शंस की बात कर लेते हैं रिडक्शन की। तो बेसिकली रिडक्शन कौन सी होती हैं, रिडक्शंस, ठीक है, ये वो रिएक्शन होती है जिनमें कोई एलिमेंट गेन कर लेता है हाइड्रोजन को या फिर कोई एलिमेंट लूज़ कर देता है ऑक्सीजन को। इस केस में क्या होता है, एडिशन हाइड्रोजन का होता है और रिमूवल किसका होता है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था और इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोई एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, उसने गेन कर लिया है हाइड्रोजन को, या फिर कोई एलिमेंट है जिसने लूज़ कर दिया है ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को पास करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर और कॉपर निकल आएगा, ठीक है। ये पहले मैंने आपको बताया था जो कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। अब उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर बन गया है और कॉपर, तो दैट मीन्स इसने क्या किया है, लॉ कॉपर क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को, दैट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन। और हमारे पास क्या बन गया, कॉपर जो ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट है आपके पास H2+Cl2 गिव्स H2HCl। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन।